वार इज नथिंग गेन बट टेक एवरीथिंग, मतलब युद्ध कुछ भी देता नहीं है बल्कि सब कुछ ले लेता है। यही पर शायर लुधियानवी की वो शायरी याद आ जाती है जिसमें वो कहते हैं, जंग खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग चाहे हो गई हो या जंग चाहे चल रही हो, इसके शुरू होने के पीछे तो सिर्फ एक ही बात देखी जाती है, राजा के अहंकार, विस्तारवादी सोच, सैन्य ताकत का अभियान। लेकिन क्या आप जानते हैं, जंग का असर जिन लोगों पर होता है उन लोगों के हालातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो दुनिया की एक भयावह तस्वीर नजर आएगी। रूस यूक्रेन का युद्ध ही देख लीजिए, इसको शुरू हुए 9 महीने से अधिक हो गए हैं लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत जुल्म लगातार जारी है। इराक, सीरिया, यमन, अर्मेनिया, अजरबैजान, माली, सूडान, कांगो, सोमालिया, कैमरून जैसे देशों में युद्ध के माहौल भीषण है। इन इलाकों से हजारों लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं और तो और करोड़ों की आबादी मिसाइल अटैक, गोलीबारी और बमबारी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर है। और इन्हीं में से हर दिन हजारों लोग विकलांग हो रहे हैं, कितनों के घर तबाह हो रहे हैं, तो कहीं पूरा का पूरा गांव युद्ध के हालात को देखकर दर बदर होने को मजबूर है। जंग में उलझा कोई भी देश हो, कोई भी इलाका हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तबाही का असर महिलाओं और बच्चों पर होता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में माने तो विस्फोट, गोलीबारी और मिसाइल हमलों में मारे गए कुल लोगों में आधे बच्चे होते हैं। आज दुनिया के सबसे खतरनाक वार जोन्स में करीब 20 करोड़ बच्चे फंसे हुए हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद के साए में जी रहे देशों को भी जोड़ लें तो करीब 45 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो भीषण त्रासदी की मार झेल रहे हैं। यानी दुनिया के हर 6 में से एक बच्चा कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और ये दृश्य डरा देने वाले हैं। जंग में फंसे लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ भविष्य में क्या होगा, उनके पास ना तो कोई सुविधा है और ना ही शासन का भरोसा है। इन वार जोन्स में करीब 9 करोड़ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र महज 10 से 17 साल के बीच है। उनकी जिंदगी में जंग, आतंकवाद की समस्याओं ने बेबसी और विस्थापन का अंधियारा भर दिया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तमाम इंटरनेशनल एजेंसियों के रहते हुए भी ना तो जंग थम रही है और ना आतंकवाद। खासकर इन संकटग्रस्त इलाकों में फंसे लाखों करोड़ों बच्चों और महिलाओं को इस हालात से निकालने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल एजेंसियों को और कोशिश करनी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।